Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all are doing well and you have listened to my previous lectures. जो previous lecture था वो था हमारा anterior triangle of neck के ऊपर, और आज मैं आपको हम जो topic पढ़ेंगे वो है posterior triangle of neck. ठीक है, posterior basically sternocleidomastoid जो muscle है वो ही एक triangle आगे दो ट्राइंगल्स को सेपरेट कर रहा है, जो आगे आपकी आ जाती है, जो आपके फ्रंट ऑफ नेक पे प्रेजेंट है इंटीरियर ट्राइंगल, और स्टर्नोक्लिडोमिस्टॉइड के जो पीछे प्रेजेंट है वो को है पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक. ठीक है, नेक अब क्या है, द रीजन ऑफ द बॉडी दैट लाइज बिटवीन द लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल एंड द सुप्रास्टर्नल नॉच एंड द अपर बॉर्डर ऑफ द क्लेविकल. ये मैं अपना लेजर पॉइंटर ऑन कर रही हूँ. ठीक है, नेक रीजन कहाँ पे प्रेजेंट है, आपका लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल, बिटवीन लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल एंड ये आपके साइड पे दो क्लेविकल आ गई हैं, और दो क्लेविकुलर के दरमियान में जो एक नॉच सुपरा स्टर्नल नॉच होती है, ठीक है, ये आपके स्टर्नम के ऊपर प्रेजेंट होती है, जो मैनुब्रियम उसका पार्ट है, सुपरा स्टर्नल नॉच उसे कहते हैं. ठीक है, और ये दरमियान में जो आप एक डिप्रेशन अपने नेक में ये दरमियान में फील करें, एक नॉच सी है, उसे कहते हैं सुपरा स्टर्नल नॉच. ठीक है, सुप्रास्टर्नल नॉच और अपर बॉर्डर ऑफ क्लेविकल और ऊपर इसके क्या होते हैं लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल, इसके दरमियान में आपका ये जो पूरा पोर्शन है दिस इज नेक. ठीक है, ट्राइंगल्स ऑफ नेक ये हमने देखा. ठीक है, ये आपका स्टर्नोक्लिडोमास्ट्रॉइड मसल है. ठीक है, स्टर्नोक्लिडोमास्ट्रॉइड एक जो इसका पार्ट है स्टर्नल पार्ट होता है और एक क्लेविकल का है, इसी वजह से दो स्टर्नोक्लिडोमास्ट्रॉइड उसे जो है वो कहा जाता है. ठीक है, और मैस्ट्रॉइड जो पार्ट है टेम्पोरल बोन, ठीक है, ये आपस में इनको कुडेक कर रहा है बेसिकली मसल. देखिए, एक इसका क्लेविकल पार्ट है, ये स्टर्नम पार्ट है, और ठीक है, यानी कि क्लेडो क्लेविकल स्टर्नो, ये जो स्टर्नम पे उसका पार्ट है और मैस्ट्रॉइड, ठीक है, इनको ये कनेक्ट कर रहा होता है आपस में, इस वजह से इसे कह देते हैं स्टर्नो क्लीडो मैस्ट्रॉइड मसल. अब इसके आगे जो ट्राइंगल प्रेजेंट है वो है आपकी इंटीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक, और जो इसके पीछे प्रेजेंट है दिस इज पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक. ठीक है, इंटीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक तो हम पढ़ चुके हैं, उसके अंदर जो जो सी फोर ट्राइंगल्स है वो हमने देख ली. अब हम देख रहे हैं पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक. अगर आप पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक को देखें तो इसकी एपेक्स जो है वो अपवर्ड है. ठीक है, एपेक्स अपवर्ड है और बेस इसकी बिलो है, और बेस इसकी क्लेविकल से बन रही है. ठीक है, और जो इसके जो अगर हम अभी पढ़ने से पहले अगर वैसे ही हम इस पिक्चर को देखें, डायग्राम को देखें, अपने हमारे लिए ये हो जाएगा ये कि उसके जो फ्रंट पे किससे बन रही है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लिडोमास्ट्रॉइड. ठीक है, देखें ये स्टर्नोक्लिडोमास्ट्रॉइड है, इसका पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लिडोमास्ट्रॉइड. बेस अगर हम देखें, अपर बॉर्डर ऑफ क्लेविकल आ रहा है उसके अंदर. ठीक है, और आप अगर ये देखें ट्रेपीजियस का, यानी कि ये ट्रेपीजियस है तो इसका इंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपीजियस मसल बना रहा है. ठीक है, पोस्टीरियरली इंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपीजियस मसल, इंटीरियरली पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लिडोमास्ट्रॉइड. ठीक है, बेस इज फॉर्म बाय द क्लेविकल और एपेक्स ये दोनों मिल रहे हैं, और एपेक्स जो है वो इसकी अपवर्ड्स है. ठीक है, ये देखें इस तरह जब एक पिक्चर को सामने रखे आप इसे मेमोराइज करेंगे तो एनाटॉमी पढ़ना आपके लिए बहुत आसान होगा, और आपका ये बिलीव मी आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा. ठीक है, फिर इसी तरह ही ये जो ओमोहायोइड मसल होता है, यहाँ पे डिफरेंट इसका जो फ्लोर होता है, ये जो फ्लोर है दरमियान में, ये डिफरेंट मसल्स से मिलके बनता है, जिसमें स्पाइनलिस कैपिटस है और भी बहुत सारे मसल्स हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, उनसे मिलकर इसका फ्लोर बन रहा होता है, एक ओमोहायोइड मसल भी होता है. ठीक है, ओमोहायोइड मसल जो है बेसिकली वो इस पोस्टीरियर ट्राइंगल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा होता है, एक लार्ज ट्राइंगल, ठीक है, एक लार्ज ट्राइंगल और एक स्मॉल ट्राइंगल. ओमोहायोइड मसल फिर पोस्टीरियर ट्राइंगल को टू ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा होता है. ठीक है, ये अब हमने इसका थोड़ा सा इंट्रो देख लिया, अब हम आगे देखते हैं ट्रेपीजियस कहाँ से इसका ओरिजिन है. सुपीरियर नुकल लाइन से आता है ये. ठीक है, और या एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, लिगमेंट नुकी से इसका जो है ओरिजिन है, और ये क्या है, स्पाइंस ऑफ C7T12. ठीक है, यहाँ से ये ओरिजिनेट कर रहा है. इंसर्ट कहाँ पे हो रहा है, लेटरल वन थर्ड ऑफ द क्लेविकल
एंड एक्रोमियन एंड स्पाइन ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैप्यूला एंड स्पाइन ऑफ स्कैप्यूला। ठीक है, ये हमने इसका जब हमने ये नॉर्मा ऑक्सीपिटेटिस पढ़ा था तो हमने देखा भी था कि कहाँ से ट्रेपीजियस ओरिजिनेट कर रहा है। ठीक है, और इंसर्ट कहाँ पे कर रहा है, ये यहाँ पे लेटरल वन थर्ड ऑफ द क्लेविकल पे ये इंसर्ट कर रहा है, और एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैप्यूला पे और स्पाइन ऑफ स्कैप्यूला पे इंसर्ट कर रहा है। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या है, स्कैप्यूला को ये एलिवेट करता है। ठीक है, और जो इसके फाइबर्स होते हैं इन्फीरियर अप सुपीरियर फाइबर्स इन्फीरियर फाइबर्स एंड मिडल फाइबर्स एलिवेट इसे कर रहे हैं सुपीरियर फाइबर्स, डिप्रेस स्कैप्यूला ट्रेपीजियस को, यानी कि जो उसका फंक्शन डिप्रेशन वाला है वो कौन कर रहे हैं, इन्फीरियर फाइबर्स। ठीक है, और रिट्रैक्ट कौन, रिट्रैक्शन इसका बेसिकली फंक्शन स्कैप्यूला के ऊपर है। ठीक है, स्कैप्यूला को एलिवेट करते हैं, जो एलिवेट कर रहा है वो सुपीरियर फाइबर्स कर रहे हैं, जो डिप्रेस कर रहे हैं वो इन्फीरियर फाइबर्स कर रहे हैं, जो रिट्रैक्ट कर रहे हैं वो मिडल फाइबर्स कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो सुपीरियर रोटेशन ऑफ ग्लिनोइड फोसा ऑफ स्कैप्यूला, ठीक है, वो सुपीरियर और इन्फीरियर फाइबर्स कर रहे हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं स्टर्नोक्लियोडोमास्ट्राइड। ठीक है, अब ये इसका ओरिजिन क्या है, अपर पार्ट ऑफ मेनिब्रियम स्टर्ना है यहाँ से एंड मिडल थर्ड ऑफ क्लेविकल से ये ओरिजिनेट कर रहा है, और इंसर्ट कहाँ कर रहा है, मिस्ट्रॉइड प्रोसेस पर एंड लेटरल पार्ट ऑफ सुपीरियर नुकल लाइन। ठीक है, जो हमने देखा था यहाँ पे नॉर्मल, जब हमने पीछे से नॉर्मल ऑक्सीपिटेलिस पढ़ा था स्कल का, तो हमने देखा था कि कहाँ पे जाके ये लग रहा है। ठीक है, लेटरल पार्ट ऑफ सुपीरियर नुकल लाइन पे ये लग रहा है, और इसकी नर्व सप्लाई क्या है, स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व। ठीक है, एंड वेंट्रल रमाए ऑफ C2 C3, ये आप लोगों ने सर्वाइकल ब्रेकियल प्रैक्सिस पढ़ा होगा उसके अंदर अपर लिंब के अंदर। ठीक है, तो इसकी जो नर्व सप्लाई है वो क्या करता है, ये इसे सप्लाई कौन सी नर्व कर रही है, एक्सेसरी नर्व इसको सप्लाई कर रही है। ठीक है, बस इसके बाद ये जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद में एक लेक्चर मैं क्रेनियल नर्व्स के ऊपर भी बना दूंगी, उसमें बता दूंगी कि मोटर सेंसरी कौन सी हैं। बेशक आप उन्हें जाके पढ़ेंगे फोर्थ सेमेस्टर में, बट बार बार क्रेनियल नर्व्स बीच में यूज़ हो रही हैं, तो उसका मैं आपको एक लेक्चर बता दूंगी कि कौन सी मोटर है, सेंसरी कौन सी है। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है, बोथ मसल्स एक्टिंग टुगेदर एक्सटेंड हेड एट एटलांटो एक्सिपिटल। अब ये देखें स्टर्नोक्लियोडोमास्ट्राइड, ठीक है, दो ये क्या कर रहे होते हैं, इनका एक्शन, इसका एक्शन क्या है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है व्हेन बोथ मसल्स, यानी कि इसका जो इसके टू हेड्स है ना स्टर्नोक्लियोडोमास्ट्राइड के, जब वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आपको एटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट है उसको एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, आपका एटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट है उसे ये एक्सटेंड करेंगे, लेकिन जो सर्वाइकल जो आपका पार्ट है, ठीक है, सर्वाइकल जो रीजन है आपका, यानी कि सर्वाइकल वर्टिब्राज है, उन्हें फ्लेक्स करता है ये, एटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट पे को एक्सटेंड करता है, सर्वाइकल जो वर्टिब्राज है उन्हें फ्लेक्स करता है, और अगर एक इनमें से मसल एक हेड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर वो क्या करता है, आपका आपका आपकी जो चिन होती है, ठीक है, उसे दूसरी साइड पे मूव करता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपको क्या होगा, जिस तरह आप चिन आपकी दूसरी साइड पे मूव कर रही है, ठीक है, एक चिन दूसरी साइड, आपकी जो चिन है वो एक साइड पे मूव कर रही है, तो आपका एक पार्ट उसमें कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इसका ये इसका एक्शन है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं बाउंड्रीज इंटीरियर ट्राइंगल की। इंटीरियर ट्राइंगल की बाउंड्रीज, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इंटीरियरली किससे बन रहा है ये, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लियोडोमास्ट्राइड। ठीक है, पोस्टीरियरली इंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपीजियस मसल, ये देखें, अगर हम यहाँ देखें इंटीरियरली किससे बन रहा है, वो पिछली वाली पिक्चर बहुत क्लियर पिक्चर थी स्टर्नोक्लियोडोमास्ट्राइड की, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लियोडोमास्ट्राइड पोस्टीरियरली किससे बन रहा है, इंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपीजियस मसल, ये देखें इंटीरियरली बन रहा है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लियोडोमास्ट्राइड पोस्टीरियरली इंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपीजियस मसल। ठीक है, इंफीरियर क्या है, मिडल थर्ड ऑफ द क्लेविकल, और रूफ किससे बन रही है इसकी, रूफ इसकी बन रही है, जाहिर बात है ये देखें ये ट्राइंगल ऑफ नेक है, इसकी रूफ किससे बनेगी, प्लेटिज्म मैंने आपको दिखाया था कि मसल है, डीप लेयर ऑफ फेशिया इसकी रूफ बना रहा है। फ्लोर क्या है,
प्री वर्टिब्रल फेशिया और मसल्स, मसल्स और उनके ऊपर जो एक प्री वर्टिब्रल फेशियल लेयर है उससे फ्लोर बन रहा है। और हम फ्लोर देखते हैं कौन कौन से मसल से बनता है। देखें ये हम ना लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज ये मसल्स हैं। ये एक पिक्चर मैंने आगे बहुत अच्छी सी डाली है इसके अंदर कि अबव टू डाउनवर्ड कौन कौन से मसल्स बन रहे हैं। सबसे पहले एक ऊपर मसल होता है सेमी स्पाइनलिस कैपिटस, देन स्प्लेनियस कैपिटस, देन लिबेटर स्कैप्यूली, ठीक है, देन स्क्लेनियस मीडियस, स्क्लेनियस इंटीरियस एंड स्क्लेनियस इंटीरियर। स्क्लेनियस इंटीरियर कभी कभी नजर आ रहा होता है और कभी कभी नहीं भी नजर आ रहा होता है, ठीक है। ये देखें पोस्टीरियर ट्राइंगल में अबव टू डाउनवर्ड ये सीक्वेंस है, फर्स्ट सेमी स्पाइनलिस, स्प्लेनियस कैपिटस, लिवेटर स्कैप्यूली, स्क्लेनियस मीडियस, स्क्लेनियस इंटीरियर मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ बुक से पढ़ रहे हैं, बुक से देखें फिर मुझे डिलीवर करने का फ़ायदा क्या होगा आप लोगों को, ठीक है। आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको समझ नहीं आएगी। आपने सबसे पहले लेक्चर सुनना है और लेक्चर को 2-3 times सुने, उसके बाद आप उसे बुक से पढ़ें, ठीक है। ये पढ़ने का तरीका होता है। हम लोग भी ऐसे ही पढ़ते थे। ये जो कुछ बच्चे कहते हैं हमने बुक में तो बुक से ही हमने फ़ौरन से पढ़ना स्टार्ट किया, कैसे समझ आएगा ये, ठीक है। पहले लेक्चर्स को पढ़ें। ये सीक्वेंस वाइज वही पिक्चर है, ये देखें स्क्लेनियस इंटीरियर। अच्छा अब देखें सब डिविजन्स ऑफ द पोस्टीरियर ट्राइंगल। अब ये जो इस इन्फीरियर वैली ऑफ ओमोहायोइड मसल होती है ना, वो इस ट्राइंगल उससे पोस्टीरियर ट्राइंगल को 2 triangles में हम कन्वर्ट डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि इस जो जो ओमोहायोइड मसल से अबव है उसे वो एक लार्ज ट्राइंगल है, देखें लार्ज ट्राइंगल ये बन रही है, और इस ओमोहायोइड मसल से जो नीचे एक ट्राइंगल ये स्मॉल सी बन रही है, ठीक है। अब देखें इसमें क्या है, ये वाली जो ट्राइंगल है स्मॉल इसे कहते हैं सुप्रा क्लेविकुलर, क्योंकि एक क्लेविकल से ऊपर है इसे हम इसलिए कह देते हैं सुप्रा क्लेविकुलर ट्राइंगल, ठीक है। और ये क्योंकि देखें ये आपका जो ऑक्सीपिटल रीजन से पीछे पीछे आ रही है इसे हम कह देते हैं ऑक्सीपिटल ट्राइंगल, और ये लार्ज होती है और सुप्रा क्लेविकुलर ट्राइंगल स्मॉल होती है, ठीक है। ये देखें ओमोहायोइड की ये इन्फीरियर वैली और ये उसकी सुपीरियर वैली आ गई। इन्फीरियर वैली से नीचे वाली जो ट्राइंगल है वो स्मॉल ट्राइंगल है एंड इट्स नोन एज सबक्लेवियन ट्राइंगल। जो इसे अपर वाली ट्राइंगल है वो लार्ज है और उसे कहते हैं ऑक्सीपिटल ट्राइंगल, ठीक है। ओमोहायोइड मसल की 2 bellies हैं, सुपीरियर है और एक इन्फीरियर है। सुपीरियर वैली टू इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ हायोइड बोन, ठीक है। इन्फीरियर वैली टू सुपीरियर बॉर्डर ऑफ इसकी अटैचमेंट क्या है, सुपीरियर वैली की लगी होती है ये कहाँ पर, सुपीरियर वैली टू इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ हायोइड बोन, ठीक है। और जो इसकी इन्फीरियर वैली है टू सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैप्यूला एंड सुप्रा स्कैप्यूलर लिगामेंट, उसकी इन्फीरियर बॉडी जो है वो लगी होती है। ये देखिए इन्फीरियर वैली ये स्कैप्यूला पे आ रही है। द इंटरमीडिएट टेंडन लाइज डीप टू स्टर्नोक्लियोडोमेस्टॉइड, ठीक है। इसके बाद जहरी बात है अगर हम देखें ये जो इंटरमीडिएट ट्राइंगल है यहाँ से तो स्टर्नोक्लियोडोमेस्टॉइड पार्ट को कट करके आपको दिखाया गया है ना, ये नीचे से ऐसे करके पूरा दिखाया गया, लेकिन अगर आप उसकी साइड वाली पिक्चर देखें तो उसके ऊपर डीप है ये इंटरमीडिएट टेंडन, क्योंकि उसके ऊपर स्टर्नोक्लियोडोमेस्टॉइड आ जाता है, ठीक है। इसकी जो नर्व सप्लाई है वो ओमोहायोइड मसल की आंसा सर्विकेलिस है, ये एक लूप है, ठीक है। ये नर्व का एक लूप है और एक नर्व का लूप है और वो ये सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स हैं, इनसे मिलके बनता है C1 to C2, C2 to C3, ठीक है। ये नर्व्स हैं, ये मिलकर एक लूप बनाती हैं और ये फिर आंसर सर्वेलिस उन्हें कहते हैं, और ये मसल्स को सप्लाई करती हैं जैसे कि आपके ये ओमोहायोइड मसल को ये सप्लाई कर रही हैं, ठीक है। अच्छा अब अगर हम इसके कंटेंट्स देख लें कि पोस्टीरियर ट्राइंगल में क्या क्या प्रेजेंट है। पोस्टीरियर ट्राइंगल में सबसे पहले सबक्लेवियन आर्टरी, थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट क्यों कहा गया है वो मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली सबक्लेवियन जो आर्टरी होती है उसके 3 parts होते हैं, ठीक है। ये जो मसल है स्क्लेनियस इंटीरियर, बेसिकली इसकी वजह से ये 3 parts में डिवाइड होती है। एक जो स्क्लेनियस इंटीरियर के पीछे से गुजरने से पहले जो एक पार्ट होता है उसे क्या है, वो उसका फर्स्ट पार्ट होता है। एक जो सेकंड पार्ट है वो बिहाइंड प्रेजेंट है स्क्लेनियस इंटीरियर, और एक स्क्लेनियस इंटीरियर के बाद जो पार्ट निकलता है उसे कहते हैं थर्ड पार्ट, ठीक है। ये है सबक्लेवियन आर्टरी, इस वजह से इसके पार्ट्स हैं। तो ये जो इसका थर्ड पार्ट है, जो इसका थर्ड पार्ट है वो पोस्टीरियर ट्राइंगल में प्रेजेंट होता है, ओके।
देन इसके अंदर क्या है, सुपरफिशियल सर्वाइकल एंड सब एंड सुप्रा स्केप्यूलर और सुप्रा स्केप्यूलर आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ब्रांचेज ऑफ थायरो सर्वाइकल ट्रंक, अ ब्रांच ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। ये देखें सबक्लेवियन आर्टरी की यहाँ पे ब्रांचेज हैं, ये देखें थायरो सर्वाइकल ट्रंक, ये भी उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। और ऑक्सीपिटल आर्टरीज, आर्टरीज के अंदर प्रेजेंट है। ऑक्सीपिटल आर्टरी जो है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। तो इसके अंदर कौन कौन सी आर्टरीज प्रेजेंट है, इसके अंदर सबक्लेवियन आर्टरी प्रेजेंट है, सुपरफिशियल सर्वाइकल एंड सुप्रास्केप्युलर आर्टरीज प्रेजेंट है, ऑक्सीपिटल आर्टरी प्रेजेंट है, और ऑक्सीपिटल आर्टरी है जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको बताया था कि सबक्लेवियन आर्टरी के थ्री पार्ट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्ट इसका पोस्टीरियर ट्रायंगल में प्रेजेंट होता है। और जो ही ये देखें, ये जो थर्ड पार्ट है, जब फर्स्ट रिब को क्रॉस करते हैं उसके बाद ये क्या बन जाता है, एक्सिलरी आर्टरी बन जाता है। ये यहाँ पे फर्स्ट रिब है, ठीक है, इसको जो ही क्रॉस करते हैं उसके साइड पे फिर वो क्या बना देते हैं, वो आगे से एक्सेसरी आर्टरी, वो आगे से एक्सिलरी आर्टरी बना देता है, और वो एक्सिलरी आर्टरी फिर अपर लिम्ब को सप्लाई करती है। ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड द सुप्रा स्केप्युलर आर्टरी आर ऑल्सो द कॉन्टेंट्स ऑफ पोस्टीरियर ट्राइंगल। ये वही पीछे वाली जो बात है वो मैंने इधर इसके अंदर डिटेल से बताई हुई है कि सबक्लेवियन आर्टरी के थ्री पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उसका रिलेशन इंटीरियर जो है वो स्क्लेनियस इंटीरियर से उसका रिलेशन, जो फर्स्ट पार्ट वो है जो कि उस मसल से पहले प्रेजेंट है, सेकंड पार्ट बिहाइंड स्क्लेनियस इंटीरियर, और थर्ड पार्ट जब वो उस मसल के बाद जो पार्ट निकल रहा है थर्ड पार्ट, वो उसका थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी है, ठीक है, वो प्रेजेंट है इसके अंदर। ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी और सुप्रा स्केप्युलर आर्टरी वो भी पोस्टीरियर ट्राइंगल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और क्यों, वो थायरो सर्वाइकल ट्रंक से निकल रहे होते हैं, ये देखें ये थायरो सर्वाइकल ट्रंक है, फिर इसमें वेन्स हैं, वो कौन सी, एक्सटर्नल जुगलर वेन्स इधर प्रेजेंट है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन्स, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, एक्सटर्नल जुगुलर वेन और उसकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे प्रेजेंट है पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में। और ये देखें, ये जो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये है एक्सटर्नल जुगुलर वेन और इसकी ट्रिब्यूटरीज, जिसके अंदर आपके पास प्रेजेंट है पोस्टीरियर एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ये देखें पोस्टीरियर एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन, ये देखें ये आ रही है ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन, देन सुप्रा स्केप्युलर वेन और एंटीरियर जुगुलर वेन, वो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। और ये जो है ओब्लीक जुगुलर वेन, ये एक्सटर्नल एंड इंटरनल जुगुलर जो वेन है उन्हें आपस में कनेक्ट कर रही होती है, ठीक है। तो एक्सटर्नल जुगुलर जो वेन उसकी ट्रिब्यूटरीज में है पोस्टीरियर एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन, सुप्रा स्केप्युलर वेन एंड ये एंटीरियर जुगुलर वेन, ठीक है। और ये जो ओब्लीक जुगुलर वेन है ना, ये इंटरनल और एक्सटर्नल जुगुलर वेन को आपस में कनेक्ट कर रही होती है। इसके अंदर भी वही सब कुछ दिखाया हुआ जो मैंने आपको अभी बताया। देन नर्व्स ब्रांचेस ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सस इसके अंदर प्रेजेंट है, और इसी वजह से इंजरी सर्वाइकल प्लेक्सस की इंजरी भी पोस्टीरियर जो ट्राइंगल ऑफ नेक है उसके अंदर बहुत कॉमन है। फिर स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व भी यहाँ पे प्रेजेंट है और ये सुपरफिशियल है, ठीक है, और ब्रेकियल प्लेक्सस, और इसी वजह से इनकी इंजरीज भी यहाँ पे प्रेजेंट है, सर्वाइकल प्लेक्सस, ब्रेकियल प्लेक्सस, एक्सेसरी नर्व, ये जो ये एक्सेसरी नर्व है किसको सप्लाई कर रही होती है, ट्रेपीजियस को सप्लाई कर रही होती है, हमने अभी पढ़ा है ये स्टर्नोक्लोडोमिस्टॉइड और ट्रेपीजियस, ठीक है, स्टर्नोक्लोडोमिस्टॉइड इनको सप्लाई कर रही होती है, और इस वजह से यहाँ पे ये सुपरफिशियल है और यहाँ पे इनकी वो भी बहुत ज्यादा कॉमन है इनकी इंजरीज। स्पाइनल एक्सेसरी नर्व
यहाँ पे फोर क्यूटेनियस ब्रांचेज ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सस हैं, जिसके अंदर लेजर ऑक्सीपिटल, ग्रेटर ऑरिक्यूलर, एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ नेक, सुप्रा क्लेविकुलर, ये जो आगे C2 C3 हैं, ये आपने पढ़े होंगे, ये जो प्लेक्सस है, सर्वाइकल प्लेक्सस, उसके ये रूट्स हैं बेसिकली, कि यहाँ यहाँ से ओरिजिनेट कर रही हैं, ये C2 से कर रही है, ये C2 C3 से ओरिजिनेट कर रही हैं। इसी तरह मस्कुलर ब्रांचेज हैं, टू स्मॉल ब्रांचेज टू लिवेटर स्केप्यूलाई, टू स्मॉल ब्रांचेज टू ट्रेपीजियस, नर्व टू रोमबॉइड्स, और अपर पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। ठीक है, ये नर्व्स आपको पता होना चाहिए। ब्रांचेज ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सस हैं, इसके अंदर स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व एंड ब्रेकियल प्लेक्सस। अगर इसके हम क्लिनिकल नोट्स देखें, ठीक है, टोर्टिकुलिस, ये यहाँ पे जो स्टेनोक्लूडोमास्टॉइड मसल है, इसकी क्या हो जाती है, टाइटनेस हो जाती है, बहुत टाइट हो जाते हैं ये, कि आप साइड पे अपनी गर्दन को मोड़ नहीं सकते। ठीक है, साइड पे गर्दन मोड़ेंगे तो यहाँ पे इन मसल्स में बहुत ज़्यादा टाइटनेस होती है। तो एक कंजेनिटल होती है और एक स्पाज्मोडिक। कंजेनिटल वो जो कि बाय बर्थ प्रेजेंट है, बाय बर्थ है, वो क्या है, एक्सेसिव स्ट्रेच किया गया है स्टेनोक्लूडोमास्टॉइड को, जैसे कि जब वो नॉर्मल डिलीवरी में जिस तरह बच्चे के जो हेड को खींचते हैं बाहर, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया और वो ज़्यादा कुछ ज़्यादा खींच गया स्टेनोक्लूडोमास्टॉइड, उसकी वजह से कंजेनिटली टॉर्टिकुलिस होता है कि आपकी गर्दन जो है वो एक साइड पे ही मुड़ी हुई होती है। और दूसरा स्पाज्मोडिक ये है कि फॉर एग्जाम्पल कोई पेन है नेक में और वैसे ही बाद में कोई उसके अंदर स्पैज्म हो गया है, मसल्स वैसे ही टाइट हो गए हैं ड्यू टू पोस्चर, ड्यू टू पेन, उसके अंदर टाइटनेस आ गई है, वो स्पैज्मोडिक होगी। इंजरी टू स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व, इंजरी टू ब्रेकियल प्लेक्सस, ये यहाँ पे बहुत कॉमन है, ये मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि ये देखें, ये देखें ऐसे करके ब्रेकियल प्लेक्सस यहाँ से गुजर रहा है। अगर यहाँ पे किसी ने कोई किसी को गोली लगी है और इस जगह पे लगी है, ठीक है, तो ये देखें ये ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से ये वाली रूट्स चली जाती हैं। ठीक है, आपके हाथों में नंबनेस होगी, आपका हाथ ऊपर सही तरीके से आप उनमें नंबनेस होगी, उठा नहीं सकेंगे हाथ को, इन वाली ये जो रूट्स हैं ये कंप्रोमाइज हो जाती हैं, ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी होगी, आपके हाथ में नंबनेस आएगी, जिस तरह C8 है, ठीक है, आपकी ये सप्लाई हो रही होती है, जिस तरह अल्नर, मीडियन और रेडियल नर्व, इनकी सप्लाई यहाँ से जा रही होती है, तो उनकी जो जो जहाँ जहाँ से वो पास करते हैं और जहाँ जहाँ पे उनके फंक्शंस हैं, जहाँ जहाँ पे वो सप्लाई कर रही हैं, उन उन जगहों की वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे वो फंक्शन प्रॉपर नहीं हो सकेंगे, आपके जो हैंड के फ्लेक्सर्स हैं, ठीक है, वो अपना फंक्शन नहीं प्रॉपर कर सकेंगे, जिस तरह ये आप शोल्डर को अपने एबडक्ट करती हैं, इसमें मसला हो जाएगा, ये वाली जो चीज़ें हैं ये ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी यहाँ पे बहुत कॉमन है, क्योंकि वो सुपरफिशियल है। फिर देखें एक्सेसरी नर्व, क्योंकि ये देखें सप्लाई कर रही है आपके एक्सेसरी नर्व, सप्लाई कर रही है आपके स्टेनोक्लूडोमास्टॉइड को भी, सप्लाई कर रही है ट्रेपीजियस को भी, सप्लाई कर रही है, ठीक है, और वो सुपरफिशियल है, सुपरफिशियल होती है एक्सेसरी नर्व, तो उसका भी डैमेज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई यहाँ पे इंजरी हुई है, या यही वाली इंजरी है कि कोई गन किसी को यहाँ पे गोली लगी है या किसी को स्टैब किया गया है छुरी के साथ, तब भी ये जो स्पाइनल जो एक्सेसरी नर्व है तब भी कंप्रोमाइज हो सकती है, तब भी उसका डैमेज हो सकता है, वो उसे हिट कर सकती है एक्सेसरी नर्व को, और उसकी वजह से क्या होगा, जाहिर बात है वो सप्लाई कर रही है आपके ट्रेपीजियस को, सप्लाई कर रही है स्टेनोक्लूडोमास्टॉइड को, कर रही है ट्रेपीजियस को सप्लाई कर रही है, तो जो ट्रेपीजियस के फंक्शन उसमें जा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल श्रग करना शोल्डर को, ये एलिवेशन शोल्डर की ये जा सकती है, ठीक है, आप अपना कंधा ऊंचा नहीं कर सकते, ओवर हेड नहीं उसे उठा सकते। फॉर एग्जाम्पल अब किसी की एक्सेसरी नर्व, किसी को गोली लगी है या किसी का यहाँ पे छुरी लगी है, कुछ भी हुआ है, छुरी से उसे स्टैब किया गया है और ये एक्सेसरी नर्व आप डैमेज हो गई है, तो हो सकता है एक्सेसरी नर्व डैमेज होने की वजह से जो जो फंक्शंस हैं, जैसे कि श्रगिंग ऑफ शोल्डर वो चला जाएगा, कंघी करने में मुश्किल होगी, ठीक है। तो और फिर एक और बात है कि यहाँ पे जब सब क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स, देखें ये कि सब क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स हैं, इनकी इनलार्जमेंट हो गई है, फॉर एग्जांपल कोई कोई मिलिग्नेंट कैंसर है, ठीक है, कैंसर है यहाँ का, कोई मिलिग्नेंट यहाँ पे ट्यूमर है और यहाँ पे आपके लिम्फ नोड्स बड़ी हुई, इंक्रीज हुई हुई है, यहाँ इनकी इनलार्जमेंट हुई हुई है और आप बायोप्सी करने लगे हैं उधर लिम्फ, यहाँ से
तो हो सकता है इसके आप वो सब सुपरा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स यहाँ से कुछ आप लेना चाह रहे हैं, तो आपका आपके वो जो बायोप्सी के दौरान आपने एक्सेसरी नर्व को डैमेज कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो बड़ी यहाँ पे कॉन्शियस होके ये करना पड़ता है, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ और बहुत सुपरफिशियल है। तो ये हो सकता है यहाँ से आप बायोप्सी करने लगें और आप गलती से एक्सेसरी नर्व को डैमेज कर दें। ठीक है, और सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स इनलार्ज होती हैं, किसी कैंसरस कंडीशन की वजह से भी वो इनलार्ज हो सकती हैं, या फिर वो ट्यूबरक्लोसिस में मोस्टली इनलार्ज हो जाती हैं सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स। तो अगर बायोप्सी की जरूरत पड़े तो बड़े कॉन्शियस होकर आपको बायोप्सी करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेसरी नर्व भी प्रेजेंट है, और हो सकता है आप बायोप्सी करते हुए उसका मसला ना और उसका मसला भी क्रिएट हो जाए, और फिर ये श्रगिंग ऑफ शोल्डर और ये वाले मसले जो हैं वो यहाँ पे डेवलप हो जाए। और कभी कभी एक किसी किसी बंदे के अंदर, ये बहुत कम चांस है, लेकिन 2-3% लोग ऐसे होते हैं कि उनके अंदर एक सर्वाइकल रिब, एक एक्स्ट्रा रिब प्रेजेंट होती है, सर्वाइकल रिब। ठीक है, और वो कहाँ, वो 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा से वो जो है वो रिब निकलती है, और अगर वो प्रेजेंट होती है तो फिर वो सब क्लेवियन जो आर्टरी है ना उसे कंप्रेस करती है, फिर आपकी जो जाहिर बात है आर्म में उसने आगे सब क्लेवियन आर्टरी है उसका थर्ड पार्ट जाके आगे, क्योंकि एक्सिलरी आर्टरी बननी है और एक्सिलरी आर्टरी ने आपकी अपर आर्म को सप्लाई करना है आर्म को, तो उस वो सप्लाई कम्प्रोमाइज हो जाती है। ठीक है, फिर कभी कभी ऐसा भी होता है और उसकी वजह से भी सिम्टम्स आने लग जाते हैं। एक्सटर्नल जुगलर वेन सुपरफिशियल लोकेशन ऑल्सो मेक्स इट वल्नरेबल टू इंजरी, और वो यही बात है कि एक्सटर्नल जुगलर वेन है वो भी सुपरफिशियल है, प्रेजेंट है पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक में, तो उस वो सुपरफिशियल होने की वजह से उसे भी इंजरी हो सकती है। ठीक है, ये जो कंडीशंस बताई हैं वो उसे भी इंजर कर सकती हैं। ओके क्लास, दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर, थैंक यू।